Thank you. मुझे अपना ऐसा कोई जुर्म याद नहीं आ रहा जिसकी तुम मुझे सजा दे रहे हो। क्या हुआ मरियम, तुम्हारे अंदाज इतने बदल क्यों गए? मरियम, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, कुछ तो बोलो। मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। ये अभी क्या होता है, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार था तो बात नहीं आगे बढ़ गई। चलो, तुम ये तो मानती हो ना कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है? हाँ, मान लिया कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, मगर इसको यहीं रोकना होगा। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि तुम वो मरियम हो ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे, यही बेहतर होगा। मोहब्बत में पागल हूँ लेकिन सचमुच पागल नहीं हूँ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे मोहब्बत का इकरार किया था? याद है मुझे, मगर ये मत भूलें कि आपके अलावा भी मेरी जिंदगी में कुछ लोग हैं जिनका मुझ पर हक है। मैं उनको भुलाकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती। मेरी बीमार माँ, मेरी बहन, मेरा भाई मेरे बगैर नहीं जी सकती, और मैं उनको मरने नहीं दूंगी। तुम क्या कहना चाह रही हो, खुल के बात करो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर शादी नहीं कर सकती। अगर ये मजाक है तो बहुत हिला देने वाला मजाक। मजाक नहीं है ये, और मैं ऐसे मजाक नहीं करती। शादी वो रिश्ता है जो दो इंसानों की जिंदगी पर हावी हो जाता है। मरियम ने साथ जीने मरने के ख्वाब देखे थे। देखे थे, मरियम मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम वो मरियम बिल्कुल नहीं है जो किसी के दिल से खेले। थैंक यू। आप जानते हैं ना कि मैं किसी के दिल के साथ नहीं खेल सकती, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मरियम प्लीज, आई बेग यू, प्लीज ये मत करो। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये जज्बाती बातें हैं, जिंदगी जीने के तरीके खुद निकाल लेती है। मरियम मेरी बात सुनो, इनकार की वजह बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ मगर वजह नहीं बता सकती, इसलिए कि मोहब्बत करने की कोई वजह नहीं होती, ये बस हो जाती है।